हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए ट्रिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि शेडेड रीजन को कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं और जो स्कूल लेवल के जो स्टूडेंट है उनको भी ये काम आए। तो इस वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और स्कूल एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। यहां पर पूछा क्या है, यहां पर पूछा है कि एक स्क्वायर के अंदर एक लीफ ड्रॉ किया हुआ है, उस लीफ का आपको शेडेड रीजन निकालना है। और शेडेड रीजन निकालने के लिए स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत सारे फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रायंगल लगाते हैं, क्वाड्रेंट लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर निकालते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए मैजिकल ट्रिक लेके आ गया हूं। सिर्फ 10 सेकंड, अरे 10 सेकंड में ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे भी कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने इसको सही से सीख लिया तो। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे आपको दिया जाए और आपको शेडेड रीजन लीफ का निकालने बोले तो आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आपको 4/7a², जिसे आप 4a² / 7 भी कह सकते हो। फिर क्या करना है, देखिए a मतलब क्या होता है, a मतलब होता है साइड ऑफ ए स्क्वायर होता है। अब साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या दिया है, 8 दिया है, तो आप क्या करोगे, 4 लिखोगे, a स्क्वायर दिया है तो 8 को क्या करोगे, आप 8 × 8 लिख लोगे। और नीचे देखिए यहां पर 7 है, 4 × 8 = 32 कितना होगा, 256/7 cm², ये हो गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस पार्ट का निकल गया आपका। तो आप बताइए 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड से कम टाइम लगेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये फॉर्मूले को याद कैसे रखें, कैसे लॉन्ग टर्म तक याद रहे और हम भूलना भी चाहे तो भूल ना पाए, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक दे दीजिए। तो देखिए फॉर्मूला याद करने के लिए आप हमेशा याद रखोगे, जब भी आपको यहां पर देखिए स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, और 4 साइड जब साथ में होंगे, मतलब 4 लोग जब साथ में होंगे तब ए स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा। तो देखिए 4 लोग साथ में होंगे तभी ए स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, हो गया फॉर्मूला याद, बहुत सिंपल था। अब आपको बताना चाहूंगा, देखिए कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यह भी आएगा कि यह फॉर्मूला कैसे बना सर, किस तरह से आपने इस फॉर्मूले को आपने डिराइव किया। आपने हर एक चीज बताऊंगा वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर यह चीज सीखना हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से गवर्नमेंट एग्जाम में और स्कूल एग्जाम के अंदर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं कौन से सम पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज जो है 10th और 12th स्टैंडर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि देखिए मैथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है और बुक भी अवेलेबल होना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट में हिंदी मीडियम वालों के लिए बुक अवेलेबल नहीं है जिससे वो ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो अब ओसवाल ने हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर मैथ्स एग्जाम्पलर अवेलेबल कर दिया गया है। ये बुक जो है 10th और 12th जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको ये काफी बेनिफिट देगा। ऐसे बेनिफिट क्या है, देखिए इसमें बेनिफिट दिया है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको हर चीज मिल जाएगा, साथ ही साथ माइंड मैप की फैसिलिटी दिया हुआ है। माइंड मैप क्या होता है कि कम टाइम में आप तुरंत रिवाइज कर पाओ, ये माइंड मैप का काम होता है। और देखिए यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स दिए हुए हैं जिससे आप यूज करके फटाफट सॉल्व कर पाओगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपर्ट एडवाइस भी दिया है। और कॉमनली मेड एरर, मतलब बहुत से स्टूडेंट किस जगह पर मिस्टेक करेंगे वो वहां पर नोट डाउन किया हुआ है कि आप यहां मिस्टेक कर सकते हो, जिससे आप ध्यान दोगे और आपसे वो मिस्टेक नहीं होगा। और साथ ही साथ देखिए यहां पर ये जो है ऑल लेटर्स वर्जन है। और लास्ट में बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर एमसीक्यू भी दिया हुआ है, एमसीक्यू का सारे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इस बुक के अंदर। और कुछ बताऊं तो क्या बताऊं यार, क्यूआर कोड भी दिया है जिससे आप डिजिटली भी कुछ चीज अब देख सकते हो। तो ये बुक आपको पसंद आया हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और आप मेरे लिंक से अगर परचेस करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मार्केट से अवेलेबल है लेकिन खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आप मेरे लिंक से खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोस्तों, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, यहां पर क्या पूछा हुआ है, यहां पर स्क्वायर दिया है और यहां पर जो डिजाइन बना है उस डिजाइन का आपको शेडेड रीजन निकालना है। तो दिखने में ये जो फिगर जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए एकदम सिंपल सॉल्यूशन लेके आया हूं जिसे आप सीख कर आप एक मैजिक कर सकते हो। तो देखिए यहां पर क्या करोगे, जैसे आपको पहले वाले सम में सिखाया मैं वही कांसेप्ट यहां पर लगाएंगे लेकिन थोड़ा तरीका बदल देंगे। तो आप देख सकते हो ये साइड 10 दिया है, तो एक काम करता हूं, देखिए मैं यहां पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं
हूं तो ये क्या बन गया, मेरा स्क्वायर बन गया। और स्क्वायर के अंदर जब भी लीफ आएगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा, चार लोग साथ में रहेंगे तो ए स्क्वायर लगेगा, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप देखिए यहां पर 10 तो पूरे का है लेकिन जब मैं बीच में से कट कर लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर के अंदर लीफ का मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो 4a² / 7 निकालूंगा। फिर देखिए यहां पर मैं 4 लिखूंगा और a मतलब क्या है, साइड, साइड हमारा 10 नहीं है, अब हमारा 5 है। तो यहां पर क्या करूंगा, 5 × 5 करूंगा, होल अपॉन 7 करूंगा। तो 4 × 5 = 20, 25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और यहां पर मैं 7 लिख दूंगा। लेकिन ये जो शेडेड रीजन आया है मेरा वो किसका आया है, एक का आया हुआ, इसका आया हुआ है। लेकिन यहां पे भी सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, चार टोटल लीफ है। तो मैं क्या करूंगा, इसी आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा शेडेड रीजन आ गया। तो इतने सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हो कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है तो ये ट्रिक जो है यूज नहीं होगा, ये ट्रिक बिल्कुल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो आप पाई का वैल्यू क्या ले, 22/7 लोगे। जब भी 22/7 लेते हैं तब ये इजी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मेरी जिम्मेदारी है कि हर चीज आपको बताना, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान गलत कर सकता है लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप कोई गलत फहमी पालो, क्योंकि देखिए एक गलत फहमी आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को कम कर सकता है। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूं कैसे मैं ये फॉर्मूला डिराइव किया, 4a² / 7 किस तरह से ये फॉर्मूला मुझे मिला है। तो आप देख सकते हो यहां पर आपको फाइंड करना है ये लीफ का डिजाइन फाइंड करना है, ठीक है, जिसे हम लोग शेडेड रीजन कहते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इस फिगर को कुछ इस तरह से दिखाऊं तो ये क्या है मेरा, देखिए एक क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 πr² होता है। और देखिए ये लाइन ड्रॉ करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मैं क्वाड्रेंट से ट्रायंगल को निकाल दूं मैं तो ये मेरा डिजाइन बन जाएगा और ये डिजाइन मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये कैसे करेंगे, ध्यान दो, माइनस में लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय हाफ, मल्टीप्लाई बाय बेस, मल्टीप्लाई बाय हाइट लिख दिया मैंने। लेकिन देखिए यहां पर जो है सब सेम साइड है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं 1/4 × 22/7। रेडियस भी क्या होगा मेरा, ये क्वाड्रेंट का ए ही होगा, इसको हाफ मत करना, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस 1/2। बेस क्या है मेरा, बेस भी मेरा ए है और हाइट भी मेरा क्या है, ए है। तो यहां पर ए लिख दिया। अब ध्यान दीजिए 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, तो यहां पर 11a² / 7 × 2 = 14 हो गया माइनस 1/2, यहां पर ए स्क्वायर हो गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका 22a² हो जाएगा और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14a² / 14 × 2 = 28 हो जाएगा। अब देखिए 22 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा, 8a² / 28। लेकिन ये तो मेरा सिर्फ इसका निकला है, इसका कौन निकालेगा, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। तो 1 और 1 = 2 हो गया, तो इस चीज को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 8a² / 28, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 2, 4 = 8 हो गया। और उसके बाद यहां पर 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, तो 4a² / 7 ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये फॉर्मूला मिलता है तो मैंने डायरेक्टली कर लिया और आपको ऐसा मैजिकल ट्रिक दे दिया जिससे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।